हेलो गाइस, तो बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क कॉइन के अपडेट्स के बारे में। काफी बड़ी स्कैम चल रही है मार्केट में इस समय, क्या स्कैम है उसको समझेंगे और गाइस कैसे आप अवेयर रह सकते हो उसको जानेंगे। और गाइस यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की गई है पाई के ऑफिशियल टीम से, क्या उस अनाउंसमेंट में पूरा डिटेल में जानने वाले इस वीडियो में। चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो यार डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो तो यहाँ पे पाई को कॉइन मार्केट कैप में आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ गाइज ये काफी डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजेस में भी आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी, जैसे यूबी ग्लोबल, बिट मार्ट और भी गाइज जितने बड़े बड़े एक्सचेंजेस वहां पे आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी पाई नेटवर्क का, जो कि पूरा पूरी फेक है। यूबी ग्लोबल, बिट मार्ट और गाइज बिटोनॉमी एक्सचेंज। तो गाइज पहले तो गाइज आपको थ्री एक्सचेंज में देखने थे, बिटोनॉमी और यूबी ग्लोबल, अभी गाइज बिट मार्ट और गाइज डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजेस गाइज यहाँ पे पाई नेटवर्क को लिस्ट किए हैं, जो कि गाइज ऑफिशियल लिस्टिंग नहीं है। आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको जाएगा पाई के ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे उन्होंने खुद बताया 31st कि पाई हैज नॉट बीन लिस्टेड ऑन एनी ऑफ द एक्सचेंजेस एंड पाई नेटवर्क हैज नॉट बीन इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द प्रपोज लिस्टिंग। इन्होंने खुद बताया गाइज पाई कोई भी लिस्ट अभी तक कोई भी लिस्टिंग के बारे में बताया नहीं है, ना ही गाइज लिस्ट हुआ है कोई भी एक्सचेंजेस में। और गाइज अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो तो आपको काफी बड़ा लॉस भी हो सकता है, जो कि बारे आगे आगे बताने वाला हूँ। देख सकते हो पाई को, पाई जो है किसी को भी गाइज ये अप्रूवल नहीं दिया कि वो लिस्टिंग कर सकते डिफरेंट एक्सचेंजेस को, ना ही गाइज कोई थर्ड पार्टी को अप्रूवल दिया। पाई नेटवर्क ऑल्सो रिक्वेस्टिंग दोज पोस्ट एंड एक्सचेंजेस लिस्टिंग रिमूव, और गाइज वो लिस्टिंग जो हुई है उसको रिमूव करने के लिए बात चल रही है। तो गाइज यहाँ पे ऐसा क्यों स्कैम चल रहा है, सबसे पहले गाइज यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप में देखोगे तो इन्होंने एक अच्छा खासा यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दिया कि भाई अपने रिस्क पे ट्रेड करना यहां पे मेरा कुछ नहीं है, यहां पे बोल दिया कि ये लेजिमेट पाई कॉइन नहीं है, प्लीज नोट कि प्राइस अभी तक मैननेट इसका पाई का लॉन्च नहीं हुआ। तो गाइज ये उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि मेरा ये कोई स्कैम भी हो सकता है, ऐसा उन्होंने बता दिया कि मेरा अपने रिस्क पे इन्वेस्ट करना, सिंपल सा बात ये है गाइज। लिस्टिंग हो गया, लोग यहाँ पे इसलिए बाय करें क्योंकि गाइज इनको भी पता है कि ये पाई जो है स्कैम प्रोजेक्ट है, ये जो कॉइन लिस्टिंग हुई भी स्कैम है, बट गाइज ड्यू टू हाइप सब बाई कर रहे हैं। आप देखो हाइप का क्या इंपैक्ट पड़ता है आपको बता देना चाहता हूं। यहां पे सबसे पहले यूबी ग्लोबल पे प्राइस देखो तो अभी के समय में यूबी ग्लोबल पे ऑलमोस्ट $81 की प्राइस चल रही है, जो कि कुछ दिन पहले ऑलमोस्ट यहां पे $340 की चल रही थी। तो गाइस समझ जाओ जिसने भी $340 पे बाई किया था सोचा था कि इसका प्राइस $1000 जाएगा या $2000 जाएगा, वो गाइज अभी देख लो ऑलमोस्ट $79 पे आके रुक गया है, तो उनका काफी बड़ा लॉस हो गया। और कभी भी गाइज इनका प्राइस जो है जीरो भी जा सकता है। देखो डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस में प्राइस काफी ज्यादा वेरिएशन है, कभी किसी में $3 से इसमें $4 है। तो गाइज यहां पे आपको बता देना चाहता हूं कभी भी प्राइस जीरो जा सकता है। लोग गाइज यहां पे इसमें गैमलिंग कर रहे हैं तो आपको भी गैमलिंग करना तो कर सकते हो, बट मेरे मानोगे तो गाइज यहां पे आप दूर रहो। पाई नेटवर्क आज के दिन ट्रेंडी चल रहा मार्केट में क्योंकि ऑलरेडी काफी बड़ा स्कैम यहां पे क्रिएट कर चुका है। एंड ऑफ सेशन 2022 में आपको यहां पे डेली माइनिंग सेशन दिखेगा, पाई का बोनस जितना दिया वो आपको देखने को मिलेगा, तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ गाइज पाई नेटवर्क का देखो सबसे बड़ा यहां पे होल्डर्स देखो कितना ज्यादा होल्डर्स यहां बढ़ गया एक दिन के अंदर लिस्टिंग के बाद ही 1448 होल्डर्स। और गाइज यहाँ पे नल वॉलेट में ये लोग भेज भी रहे, मतलब बर्निंग भी कर रहे हैं, जिसको बताना चाहते हैं कि ये काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, काफी स्कैम नहीं होने वाली है, इसलिए गाइज बर्निंग भी करेगा। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कभी भी इसका प्राइस आपको जीरो देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखोगे तो एसटी जस्टिन सन, जो कि गाइज ट्रॉन के फाउंडर है, यूबी ग्लोबल से भी गाइज यहाँ पे एडवाइजर है, इन्होंने बताया कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है बेस्ट कम्युनिटी है। तो गाइज काफी लोग पाई नेटवर्क को सपोर्ट करे, जो कि गाइज इसलिए सपोर्ट करे क्योंकि पाई नेटवर्क का कम्युनिटी काफी स्ट्रॉन्ग है और पाई नेटवर्क काफी पहले कॉइन आया था, लेकिन गाइज कम्युनिटी ज्यादा इसका मतलब ये नहीं कि बेस्ट कम्युनिटी, काफी एग्रेसिव कम्युनिटी और काफी दो तीन तरह का कम्युनिटी पाई नेटवर्क में एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए बोलूंगा इसकी पाई नेटवर्क को आप देख लो, जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आती तब तक आप कुछ यहाँ पे बाई मत करना, नहीं तो गाइस काफी बड़ा स्कैम आपके पास हो सकता है और कभी भी प्राइस आपको जीरो देखने को मिल सकती है। बाकी वो गैम्बलिंग करना तो कर सकते हो, बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, कुछ भी करो तो अपना खुद का रिस्क पे जरूर करना। तो यही थी गाइस कुछ अवेयरनेस वीडियो आपको बताना चाहता था, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलता हूँ गाइस आपसे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।